नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भाजपा सबसे बड़ी राष्ट्र विरोधी पार्टी केजरीवाल का भगवा पार्टी पर तीखा हमला। जेएनयू की घटनाक्रम को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर ताजा हमला करते हुए इसे सबसे बड़ी राष्ट्र विरोधी पार्टी करार दिया है। केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि भाजपा सबसे बड़ी राष्ट्र विरोधी है, वह जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वालों को क्यों मचा रही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएनयू मामले में जो वास्तव में लिप्त हैं उन्हें इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि कहीं पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती नाराज न हो जाएं। उन्होंने पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना राजद्रोह से अधिक महत्वपूर्ण है। रेलगाड़ियों में खान पान संबंधित 5000 शिकायतें। लोकसभा को बुधवार को सूचित किया गया कि लंबी दूरी और प्रीमियम ट्रेनों में पिछले साल खान पान से संबंधित करीब 4969 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें एक लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही चेतावनी देने की और अन्य कार्रवाई की गई है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने राम ट्रहल चौधरी के प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2015 में आई शिकायतों के संदर्भ में 1203 मामलों में चेतावनी जारी की गई, 2321 मामलों में जुर्माना लगाया गया और एक मामले में लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। पाकिस्तान के पेशावर में आतंकवादी हमला, 16 लोगों की मौत। पाकिस्तान के अशांत पेशावर शहर में सरकारी कर्मियों को लेकर जा रही एक बस में बुधवार को शक्तिशाली बम विस्फोट होने से 3 महिलाओं सहित कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए। वाहन में उस समय विस्फोट हुआ जब बस सरकारी कर्मचारियों को लेकर मरदान से पेशावर पहुंची। उस समय बस में करीब 50 लोग सवार थे। राष्ट्रपति पद के अभियान से देश की प्रतिष्ठा को आघात, बराक ओबामा ने कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के प्रचार अभियान के दौरान की जा रही कड़ी टिप्पणियों से विदेश में देश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंच रहा है। ओबामा ने कहा कि हमने महिलाओं तथा अल्पसंख्यक के बारे में अशोभनीय तथा विभाजनकारी टिप्पणियां सुनी हैं। उन्होंने कहा कि विशेषकर रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी बनने की होड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों से प्रशासन चिंतित है। दूसरी ओर मंगलवार को 5 राज्यों में हुए प्राइमरी चुनावों में ट्रंप ने 3 राज्यों में जीत हासिल करके पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया है। हालांकि ओहियो राज्य में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने फ्लोरिडा, ओहियो, इलिनोइस और उत्तरी कैरोलिना प्रांत में जीत हासिल करके अपने प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स पर और अधिक बढ़त बना ली है। इक्वाडोर का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 22 लोगों की मौत। अमेजन वर्षावन में इक्वाडोर के एक सैन्य विमान के दुर्घटना से हो जाने से उसमें सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई। इक्वाडोर के राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने विमान दुर्घटना का समाचार पोस्ट करने के बाद मंगलवार को ट्विटर पर लिखा, कोई जीवित नहीं बचा, यह एक त्रासदी है। उन्होंने कहा कि विमान में 19 पैराट्रूपर, 2 विमान चालक समेत 22 लोग सवार थे। विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पेरू के साथ लगती सीमा के निकट पूर्वी पफताजा प्रांत में गिरा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।